सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की रिफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ में यार, जहाँ पे सवाल ये था कि क्या आपके साथ में कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है क्या, तो यहाँ पे यार बोला है आप में से करीब करीब 24% ने कि हाँ आपके साथ ऑनलाइन कोई ना कोई तो धोखा हुआ है, और ऐसे में बोलते हैं 76% कि नहीं अभी तक के लिए ऑल इज़ वेल, अभी तक ऐसा कोई भी फ्रॉड आपने फेस नहीं किया। आज दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि फिलहाल जो यार पूरा ही चल रहा था ना सेल वाला सीज़न अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो क्या आपने अभी तक इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी, चाहे वो एक फोन के कवर की शॉपिंग हो या कोई एक महंगा आइटम हो, कुछ भी शॉपिंग करी है क्या? बताना यार क्या आपका जवाब, सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहां पर दोस्तों बात करते हैं सीधा फेसबुक की तरफ से, जहां पे यार फेसबुक क्लेम कर रहा है कि अभी जो है वो हेट स्पीच करीब 50% जो है वो ड्रॉप हो चुकी है फेसबुक पे ही। मतलब पहले जो हेट स्पीच वगैरह काफी ज्यादा हुआ करती थी वो भी 50% उसमें गिरावट आ गई है। आपकी नजर में दोस्तों जो इंटरनेट है, क्या आप ऐसे ओवरऑल देख पा रहे हैं कि हेट स्पीच में ड्रॉप आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं यार उल्टा बढ़ रहा है? ये क्या है आपका फीडबैक, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे यहां पे अभी होंडा ने शोकेस किया है 2 नई प्रोडक्शन ईवीज और साथ में 3 नए कॉन्सेप्ट मॉडल्स। अब यहां पे दोस्तों हमारे पास में समझ लो कि जो ईवीज का मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा गर्मा गर्म होने वाला है। हम यार ऐसे में देखना चाहेंगे कि दोस्तों जो इंडियन कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल टाटा है या महिंद्रा वगैरह है, उनकी तरफ से बहुत ही कमाल ईवीज आए जो कि इंडियन मार्केट में अपनी पोजिशन को और ज्यादा मजबूत कर पाए। अभी यहां पे वैसे जी मोबाइल का जो लाइट है वो दोस्तों लेटेस्ट एपीके उसका लिंक आया है ग्लोबल वाला, और ऐसे में काफ़ी लोग जो है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं। और अब यहाँ पे खैर जो लाइट वाला था सीन पूरा BGMI का, वो तो यार अभी तक तो आया नहीं है, तो कई लोग अभी पबजी मोबाइल लाइट के ऊपर ही जो है वो अपना सब कुछ दारोमदार टिका के बैठे हैं। लेटेस्ट इसका अपडेट आ गया है, आपको लगा सिर्फ बता ही दूँ हमारे पास। वैसे यहाँ पर दोस्तों अभी दिल्ली मेट्रो ने फ्री वाईफाई कनेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है येलो लाइन पर। अगर आप दोस्तों ट्रैवल करते हैं तो आप ऐसे में फ्री वाईफाई का मजा उठा पाएंगे, तो यार ये काफी सही बात है। और ऐसे में करीब 330 से ज्यादा एक्सेस पॉइंट्स वगैरह को इंस्टॉल किया गया है, काफी चलता देख के यार। जब ऐसे में यू नो पब्लिक प्लेसेस में अगर हम बात करें फ्री वाईफाई मिलने की, तो मतलब यू नो जितने भी लोग हैं सबके लिए काफी एक आसानी होती है, बिकॉज इंटरनेट डेफिनेटली काफी एसेंशियल हो गया है आज की डेट में। हमारे पास में यहां पे अभी दोस्तों सैमसंग के गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के कुछ और रेंडर्स निकल के आए हैं, जहां पे वाटर ड्रॉप कैमरा डिजाइन को देखने को मिल रहा है। यानी जो सभी कैमरास हैं वैसे अलग अलग दोस्तों दिख रहे हैं किसी वाटर ड्रॉपलेट की तरह। अब पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, या ऐसा क्यों सैमसंग प्लान कर रहा है, या क्या इसके पीछे का आइडिया है, लेट्स सी भाई। मतलब लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आगे चल के मोबाइल फोन्स के पीछे ना मतलब ऐसे कैमरा पे कैमरा 10-15-20-25 लगे होंगे, फिर फोटो की इसलिए हम समझ नहीं आएगा ना किधर देखना है, किधर देख के मुस्कुराना है। हमारे पास में यहाँ पे अभी एप्पल का दोस्तों जो इवेंट है वो आज होने ही वाला है। आप जानती हैं एप्पल का अनलीस्ड इवेंट, और माने दोस्तों अगर हम रिपोर्ट्स की तो यहाँ पे मैकबुक प्रो जो मॉडल्स हैं उसमें एक नॉच हो सकता है स्क्रीन में, तो मतलब एकदम एज टू एज डिस्प्ले मिलेगा, बस एक छोटी सी नॉच होगी यू नो कैमरा के लिए। अब लेट्स सी कि एप्पल क्या प्लान करता है इस इवेंट में। और यहाँ पे दोस्तों इनफैक्ट जो चिप्स हैं उनका नाम जो है वो होने वाला है M1 Pro और M1 Max। लेट्स सी कि आज रात को उस इवेंट है एप्पल कौन से नए नए मैकबुक्स को लॉन्च करता है। मेरा बड़ा मन है यू नो नए लैपटॉप को यूज़ करने का। हमारे पास में दोस्तों वैसे यहाँ पे आइकिया जो है वो काम कर रहा है एक स्पॉटिफाई इनेबल्ड स्पीकर पे, जो कि एक यू नो लैम्प की तरह भी काम करेगा, मतलब एक स्मार्ट स्पीकर होगा। आप उसको जानते हैं कि आइकिया जो है वो काफ़ी ऐसा फर्नीचर लेके आता है जहाँ पे यू नो काफ़ी कुछ टेक वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक स्पॉटिफाई इनेबल्ड लैम्प की जो स्पीकर भी होगा, काफ़ी कुछ मतलब मल्टीपल इन वन। हमारे पास में यहाँ पे अभी Xiaomi ने पेटेंट कर लिया है एक ऐसा फोन जिसमें कर्व्ड स्क्रीन है और टेलीफोटो जूम लेंस है। वो जूम से आ रहा है, वो ऐसे खींच के वो बाहुबली में देखा था कुछ और बाद में झटका लगाता था, ऐसा सीन जो है वो Xiaomi के फोन में शायद हमको पूछे तो जूम वाला लेंस मिलेगा और कर्व डिस्प्ले भी होगा फोन में एकदम ऐसा गोल बटोल। यहाँ पे दोस्तों अभी एसर का सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है भाई, 50 GB का दोस्तों डेटा जो है वो कुछ लीक हो गया है, और ऐसे में मिलियंस ऑफ इंडियन यूजर्स जो है भैया वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। अगर आपके पास में कोई एसर का डिवाइस आप यूज करते हैं, स्पेशली लैपटॉप वगैरह ही है आपके पास में, तो आप दोस्तों अपने पासवर्ड्स वगैरह
भैया प्लीज बदल लो, आपके जो भी कुछ अगर यू नो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप सावधान रहो, 50 GB का डेटा जो है वो दोस्तों एक सिक्योरिटी ब्रीच के दौरान लीक हो गया है। अभी हमें दोस्तों कैनन जो है ना उसको सू कर दिया है $5 मिलियन के लिए। और यहाँ पे कहना ये है कि भाई जब प्रिंटर में इंक खत्म हो जाती है ना तो वो जो स्कैनिंग वाला फंक्शन है उसको भी डिसेबल कर देता है, जबकि ऑफ कोर्स भैया जब स्कैनिंग करते हैं तो उस टाइम पे किसी इंक की जरूरत तो पड़ती नहीं है। तो इसके चलते कैनन को सू कर दिया है $5 मिलियन के लिए। उससे जो प्रिंटर वाली इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे आप जानती हैं कि भाई मतलब कितना ज्यादा मेजर मेजर प्रॉफिट होता है वो इंक वगैरह के चलते। तो यहाँ पे इंक खत्म हुई तो प्रिंटिंग तो भैया चलो ठीक है नहीं हो पाएगी, लेकिन स्कैनिंग और फैक्स को भी कैनन ने डिसेबल कर दिया, सू कर दिया है $5 मिलियन के लिए। हमारे पास में यहाँ पे अभी एक दोस्तों ब्राजीलियन यू नो बेबी है, 4 साल उम्र है, और ऐसे में जब दोस्तों वो नो बर्थ हुआ तो उस टाइम पे फादर ने एक बिटकॉइन जो है वो खरीद के छोड़ दिया था, जिस टाइम पे उसकी वैल्यू कुछ $1,000 के आसपास थी, और अभी जो है ये दोस्तों हो गया है 60,000 के आसपास। तो आप जानते ही हैं मतलब कई कई गुना प्रॉफिट हो गया है, और ऐसे में वो एक बिटकॉइन है अभी उससे रहो 4 साल का दोस्तों जो है यू नो मतलब 4 साल में 6500% ऑन एन एवरेज अगर आप निकाल लें करीब करीब, तो 6500% की ग्रोथ 4 सालों बहुत बहुत ज्यादा होती है भाई। हमारे पास दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है नोकिया के XR20 को लेके। इंडिया में दोस्तों ये फोन लॉन्च कर दिया है, मिलिट्री ग्रेड इसका नो कंप्लीट बिल्ड है, और कीमत जो है वो है पता नहीं कौन से ग्रेड वाली, 46999। इंडिया में पता नहीं 10, 20, 50, 100 कितने पीस बिकने वाले हैं। खैर हमारा देश इतना बड़ा है ना, कहीं ना कहीं से 2-4, 500 तो लोग खैर मिल ही जाते हैं खरीदने के लिए। बट एनीवेज 47,000 रुपये का ये फोन लॉन्च किया है, पता नहीं क्या समझ के नोकिया ने, इसके अंदर कुछ भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई कर सके, नॉट इवन अ सिंगल फीचर। बट स्टिल नोकिया है जो मन में आया कर दिया, 47,000 रुपीज इस फोन के लिए। इतने में कोई iPhone 12 नहीं लेगा कैसे चमचमाता हुआ चमकाएगा ना iPhone 12, ज्यादा मजा आएगा। हमारे पास में यहाँ पर दोस्तों अभी OnePlus की जो हैरी पॉटर वाली वॉच है वो इंडिया में दोस्तों लॉन्च हो गई है, जहाँ पे लिमिटेड एडिशन है। और अगेन दोस्तों आप जानते हैं अगर आप हैरी पॉटर के फैन होंगे तो आपको उसी से जुड़े हुए काफी सारे इसमें फीचर्स वगैरह मिलेंगे, वॉच फेसेस वगैरह मिलेंगे, जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी यूनिक सा है। तो ये है OnePlus की वॉच स्पेशल लिमिटेड एडिशन हैरी पॉटर वाला। हमारे पास में यहाँ पर दोस्तों अभी रियलमी की जो वॉच T1 है सर्कुलर डिस्प्ले के साथ दोस्तों ये लॉन्च होने वाली है, Realme GT Neo 2T और Realme Q3S के साथ में 19 अक्टूबर को। Realme के इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं समझ नहीं आता किसका नाम कहां बोले कहां से क्या याद रखें। Realme GT Neo 2T इतना लंबा नाम भी कोई होता है क्या मोबाइल फोन का? वैसे आप बताओ सबसे सिंपल जो है वो नाम कौन सी कंपनी रखती है अपने मोबाइल फोन्स के? एप्पल तो खैर रखती है, उसके अलावा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में चिंगारी ऐप को लेकर, दोस्तों लॉन्च कर दिया है DGARI, डॉलर गरी बोलेंगे डॉलर गिरी बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको पता नहीं, क्रिप्टो टोकन। और यहाँ पे दोस्तों NFT मार्केट प्लेस भी है साथ में ये, और जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सलमान खान। अभी देखो इंडिया में भैया काफ़ी ट्रेंड जो है वो भी NFT वगैरह का शुरू हुआ है, आगे चल के देखते हैं कि क्या दोस्तों इसमें कुछ RBI का इन्वॉल्वमेंट होता है क्या, क्या गाइडलाइंस वगैरह निकल के आती हैं। फिलहाल के लिए अगेन इट्स अ ग्रे काइंड ऑफ सिचुएशन, लेकिन इंडिया में क्रिप्टो पॉपुलैरिटी के मामले में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एक प्रॉफिट मैनिया करके भैया इंस्टाग्राम पेज चलाते थे इंसान देवेंद्र चौधरी, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है बिकॉज काफ़ी स्कैम वैम चल रहा था, लोगों का पैसा जो है वो ठगा जा रहा था ऑनलाइन। दोस्तों आप जानते हैं तरह तरह कितने फ्रॉड चलते रहे यार, मतलब एक तो वो सस्ते वाले आईफोन ले लो ये ले लो वो ले लो, मतलब वो इंस्टाग्राम के ऊपर तो इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है ना, मतलब जहाँ पे बस लोग जो है वो कई बिकॉज सी अगेन बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो कोई ना कोई तो भोला वाला इंसान फंस जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे में देवेंद्र चौधरी को अरेस्ट किया है पुलिस ने भी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्कैम चल रहा था, प्रॉफिट मेनिया के नाम से इंस्टाग्राम पेज था, प्रॉफिट तो किसी का हुआ नहीं, लॉस लॉस सबका गारंटीड हुआ है 100% वाला। यहाँ पर दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है पबजी न्यू स्टेट को लेके। अगेन दोस्तों यहाँ पे अभी जो प्री सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में चल रहे थे पबजी न्यू स्टेट के, और फिलहाल के लिए अभी दोस्तों रिपोर्ट्स के माने तो दिवाली से पहले ये गेम आ सकता है, मतलब दिवाली से पहले पहले अभी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर शायद हम बहुत जल्दी इंडिया में पबजी न्यू स्टेट के लॉन्च को देख पाएंगे। फिलहाल खैर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगेन दोस्तों ये रूमर्स और रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, लेट्स सी कि आखिर क्या रहता है अराइवल इंडिया में पबजी न्यू स्टेट का। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।